दोस्तों नमस्कार, अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो ऑन पे सिप का लगभग हर एक फाउंडिंग मेंबर्स जानना चाहता है। सीईओ मिस्टर एस के कहे अनुसार इस मंथ जो ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होना है, वे ट्रैफिक पेड होंगे या अनपेड होंगे या फिर मिला जुलाकर पेड अनपेड दोनों होंगे। स्टार्टिंग फेज में हर एक एक्टिव फाउंडिंग मेंबर्स के स्ट्रक्चर में लगभग कितने यूजर्स आ सकते हैं, उसमें सभी के सभी पेड कस्टमर्स होंगे या अनपेड भी होंगे, उसके अनुरूप कितने एपल्स अपने वॉलेट में आने का हम उम्मीद कर सकते हैं और किन्हीं वजहों से ये सब जनवरी मंथ में भी शुरू नहीं हो सका, तब क्या होगा, तब क्या फिर हमें उसके लिए मार्च अप्रैल मई जून का इंतजार करना होगा या सब कुछ 100% इसी मंथ में शुरू होकर रहेगा। क्या जो कुछ लोग ऑन पैसिव या सीईओ मिस्टर एस के विरुद्ध कुछ निगेटिव बातें फैला रहे हैं या कर रहे हैं, वे बिल्कुल सही हैं अपने जगह पे, या उन्हें ऑन पैसिव के पावर एंड विशालता के बारे में कुछ पता ही नहीं है? आज के वीडियो में बहुत कुछ जानेंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्त, आज से लगभग 15 साल पहले जब बिटकॉइन शुरू हुआ, तब हाल फिनी ने 11 जनवरी 2009 को बिटकॉइन से रिलेटेड पहला ट्वीट किया था कि अब बिटकॉइन शुरू हो गया है, और इसी महीने 11 जनवरी 2024 को यानी पूरे 15 साल बाद बिटकॉइन का स्पॉट ETFs शुरू होने के बाद अब यह पूरी तरह से दुनिया में लीगल तरीके से भी ट्रेड करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त हो गया है। दोस्त, इतिहास में तारीखें दर्ज हो जाती हैं, लोग देखने वाले देखते रहते हैं और साथ चलने वाले उठ खड़े होकर साथ चलने लगते हैं। अब कहां गए वो मार्केट के दिग्गज वॉरेन बफेट, चेतन भगत या विवेक बिंद्रा जैसे मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच जिनके लिए बिटकॉइन बबल था, और कहां गए वो बहुत सारे लोग जिनके लिए बिटकॉइन इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था। इसलिए दोस्त, कहा जाता है कि बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी सभी चीजों का जानकार नहीं हो सकता। बिटकॉइन टेक्नोलॉजी है, और कोई भी टेक्नोलॉजी उन्हीं को आसानी से समझ में आती है जो तकनीकी दुनिया के लोग हैं, बाकी सभी को कुछ देर से समझ आती है। इसलिए दोस्त, ऑन पैसिव पर से कभी भी अपना ध्यान हटाने की गलती ना करें। कौन क्या सोच रहा है सोचने दीजिए, कौन क्या कह रहा है कहने दीजिए, बस इतना जान लीजिए उससे ऑन पैसिव के बारे में कोई ABCD भी पता नहीं है, इसलिए वह स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए। जब वॉरेन बफेट, चेतन भगत एंड विवेक बिंद्रा जैसे दिग्गज लोग, मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं समझ सके, नहीं पहचान सके बिटकॉइन को, तो भला कोई आम इंसान कैसे समझ लेगा इतना जल्दी ऑन पैसिव को? ऑन पैसिव पूरी तरह से उससे तब समझ में आएगा जब उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट धरातल पे दिखने शुरू हो जाएंगे, जब दुनिया के लगभग सारे कंट्री के गवर्नमेंट इस नए टेक्नोलॉजी का वेलकम करेंगे, जब इससे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदलना शुरू हो जाएगा, जब लाखों करोड़ों लोगों के बड़े से बड़े सपने भी पूरे होने लगेंगे, जब लाखों करोड़ों लोगों को इससे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने लगेगा, तब जाके लोगों को समझ आएगा, अरे हम तो इससे कुछ और ही समझ रहे थे, ये तो बहुत बड़ा छुपा रुस्तम निकला। खैर छोड़िए इन सब बातों को, अब आइए मेन टॉपिक पे आते हैं। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स इस बात को जानने के लिए काफी उत्सुक हैं कि जो स्टार्टिंग में हमें ट्रैफिक मिलेंगे वे पेड होंगे या अनपेड होंगे, या फिर पेड अनपेड दोनों मिला के होंगे। दोस्त, ये तो अभी मिस्टर एस ने क्लियर नहीं किए हैं कि जो स्टार्टिंग में इस मंथ से ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वे सभी के सभी पेड होंगे या सभी के सभी अनपेड होंगे या उसमें पेड अनपेड दोनों होंगे। इस बारे में अभी कुछ भी खुल करके नहीं बताया है सीईओ मिस्टर एस ने, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो फाउंडिंग मेंबर्स ऑन पैसिव के साथ सालों से जुड़े हुए हैं वे तो सभी के सभी अभी तक ले नहीं पाए हैं वो कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन, तो भला न्यू पेड कस्टमर कहां से आए होंगे ऑन पैसिव के पास? और जब पेड कस्टमर्स होंगे ही नहीं कंपनी के पास, तो फिर वह पेड ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा कैसे फाउंडिंग मेंबर्स के बीच? दोस्त, मैं यह बात एक बार नहीं बल्कि कई बार कह चुका हूं कि हमें बस उसी बात के फिक्र करने हैं जो हमारे जिम्मे का काम है, बाकी जो कुछ भी काम कंपनी की जिम्मेदारी है हम सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दें। कब कैसे क्या करना है ये सब कंपनी को पता है, मिस्टर एस को पता है, ट्रैफिक कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, वैलेट में एपल्स कैसे आएंगे, हमारा जिंदगी कैसे बदलेगा, हमारे सपने कैसे पूरे होंगे, हम फाइनेंशियली फ्री कैसे होंगे, ये सारे के सारे जिम्मेदारी कंपनी के हैं, सीईओ मिस्टर एस के हैं। हम भला खामखा इन सब बातों को लेकर क्यों टेंशन लें, क्यों चिंतित रहें? रही बात पेड एंड अनपेड ट्रैफिक की, तो मुझे जहां तक लगता है अगर स्टार्टिंग में भी मिस्टर एस को अनपेड कस्टमर्स ही देने होते हमें, तो वो शायद 6 महीने साल भर पहले ही ये सब शुरू कर दिए होते। आखिर इतना लंबा वे क्यों इंतजार करवाते हमसे? उन्हें अच्छी तरह से मालूम होगा कि सालों से फाउंडिंग मेंबर्स को किस चीज का इंतजार है, उन्हें कुछ भी करके एपल्स चाहिए। अगर सभी सब्सक्रिप्शन लिए लोगों को दो दो चार चार नहीं पूरे 100-100 यूजर्स मिल जाए और वे सभी के सभी अनपेड हो, फ्री यूजर्स हो, इससे क्या कुछ बदल जाएगा फाउंडिंग मेंबर्स का? इससे तो तत्काल एपल्स एक भी नहीं आएंगे, फिर तब तो यह दुआ का भरोसा हो जाएगा कि जब ये पेड कस्टमर्स में कन्वर्ट होंगे तभी मिलेंगे एपल्स हमें।
जबकि मुझे अच्छी तरह से याद है और शायद आपको भी याद होगा, बहुत पहले एक इंटरनेशनल वेबिनार के माध्यम से सीईओ मिस्टर एस ने कहे थे कि सब्सक्रिप्शन ले लेने के बाद बहुत बड़े चमत्कारिक दृश्य देखेंगे अपने वैलेट में फाउंडिंग मेंबर्स। और दोस्त, वह समय काफी करीब है जब हम अपने वैलेट में चमत्कारिक परिदृश्य को देखेंगे। बहुत पहले तमाम लीडर्स भी इस बात को कह चुके हैं कि स्टार्टिंग फेज में ही वैलेट के दृश्य देखकर बहुतों के होश उड़ने लगेंगे। दोस्त, आखिर हम लोग क्यों परेशान हों किसी भी बात को लेकर? बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मिस्टर एस अभी महीनों से विड्रॉल लगाए लोगों को तो उनके मेहनत का कमाई तक नहीं दे सके, तो इतना जल्दी ऑटोमेशन के थ्रू पेड यूजर्स एंड कमीशन कहां से देने लगेंगे? दोस्त, जब होने पर आएगा तो कुछ दिनों या हफ्तों या महीनों में नहीं बल्कि कुछ घंटों में बहुत सारा कुछ हो जाएगा, बहुत सारा कुछ बदल जाएगा। ऑफलाइन मैनुअली तो कुछ होना नहीं है, सब कुछ डिजिटली ऑनलाइन होना है। वो वेरीफाई आते ही फटाफट कुछ ही समय के अंदर वेरिफिकेशन हो जाएगा अकाउंट का, यानी हमारा केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पे आउट को लेकर देर लगने का सवाल ही कहां रह जाएगा। दोस्त, ट्रैफिक के रिगार्डिंग मेरा मानना है कि इसमें पेड भी होंगे एंड अनपेड भी होंगे। हो सकता है अगर आपको 5 यूजर्स मिले स्टार्टिंग में, उसमें से 3 पेड हों एंड 2 अनपेड हों, अब वे पेड कस्टमर्स $240 वाले होंगे या $190 वाले होंगे, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ही पता चल पाएगा और उसी के आधार पे हमें कमीशन भी जनरेट होंगे। मान लीजिए किसी फाउंडिंग मेंबर्स ने एक भी यूजर्स नहीं बनाए हैं, एक भी उनका खुद से कोई डायरेक्ट सेल्स नहीं हुआ है और उन्हें ऑटोमेशन के थ्रू 3 पेड कस्टमर्स मिल जाते हैं और तीनों $240 वाले हैं, तो फर्स्ट डायरेक्ट सेल का 100% एंड बाकी के 2 डायरेक्ट सेल का 25%, इस हिसाब से अगर देखें तो वैलेट में टोटल $360 आ जाएंगे। और अगर $190 वाले रहे तो टोटल $285 आ जाएंगे। बट ये सिर्फ एक उदाहरण है समझाने के लिए, रियल में कैसे और क्या होगा, कितना होगा, ये तो सब कुछ शुरू होने के बाद ही मालूम पड़ेगा। बट मेरे समझ से 3 साल इंतजार करने के बाद, 4 साल इंतजार करने के बाद एंड तमाम लीडर्स एंड सीईओ के कहने के अनुसार अगर स्टार्टिंग में 200-300 वेपल्स भी मिलते हैं वैलेट में, तो यह फाउंडिंग मेंबर्स के लिए तो रियली बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन उसे चमत्कारिक दृश्य या होश उड़ाने वाला दृश्य नहीं कहा जा सकता। चमत्कारिक दृश्य उसे तब माना जाएगा जब कम से कम 1000 एपल्स दिखे वैलेट में, और मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही होना भी चाहिए, शायद इसीलिए इतना देर भी हुआ है। दोस्त, बहुत पहले से हम सभी बोनस की बात सुनते आ रहे हैं, कुछ दिन पहले भी बोनस के रिगार्डिंग बड़े जोर शोर से चर्चा शुरू हुआ था। अब बोनस किसे मिलेगा, कितना मिलेगा, किस आधार पर मिलेगा, ये तो अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका है और ना ही बीते कॉर्पोरेट वेबिनार में ही इस बात के चर्चा किए हैं सीईओ मिस्टर एस ने। फिर भी सभी फाउंडिंग मेंबर्स को बड़ी बेसब्री से इंतजार है बोनस मिलने का। और दोस्त, मुझे जहां तक लगता है कि अगर स्टार्टिंग में बोनस हमें मिलता है तो यह पक्का मानकर चलें कि वह चमत्कारिक दृश्य जरूर होगा हमारे वैलेट का, और वह जरूर हो सुरा सकता है बहुत सारे लोगों का भी। बट ये सिर्फ एक अनुमान है, हकीकत में क्या और कैसे होना है ये तो सब कुछ शुरू होने के बाद ही हमें पता चल पाएगा। रही बात इस जनवरी मंथ से ही ट्रैफिक के डिस्ट्रीब्यूशन होने की, तो सीईओ के कहने के अनुसार तो यह 100% होके रहेगा। अब अगर ऐन मौके पर किन्हीं खास वजहों से कोई फेरबदल हो जाए, ये अलग बात है, बट सीईओ के कहे अनुसार इसी मंथ से ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एंड वैलेट में एपल्स आना चाहिए। और जब मिस्टर एस इसी मंथ में ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन करने का अनाउंसमेंट कर दिए हैं, तो हम इसे मार्च, अप्रैल या मई, जून में शुरू होने की बातें क्यों सोचे? हम इसी मंथ में सब कुछ शुरू हो जाने का उम्मीद क्यों ना करें? दोस्त, सीईओ के कहे अनुसार बहुत कुछ होना है इस मंथ में, बस धैर्य बनाए रखें एंड इंतजार करें अपनी सक्सेस के शुभारंभ होने का। हमारा जिंदगी भी बदलेगा, हमारे सारे सपने भी पूरे होंगे एंड हम पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री भी होंगे। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें मिलना ही मिलना है हमारे सब्र का फल एपल्स। आपकी उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।